नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा वीडियोस अभी नहीं मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल रहा है, काफी बिजी चल रहा हूँ। और अभी कुछ कंटेंट मुझे मिला है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पूरा कंटेंट वो बताने की कोशिश करता हूँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था, देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, ये दोनों मिलके 20 मार्क्स का आना है। पंचायती राज का एक ऐसा कंटेंट है जो पंचायती राज आपको हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक है तो मैं अभी पढ़ रहा हूं उसको, अभी पढ़ना जस्ट शुरू किया है मैंने, तो 1-2-3 दिन में मैं आपको पंचायती राज का वीडियो बना के दे दूंगा लक्ष्मीकांत बुक से, ठीक है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था लेकिन थोड़ा भी 7-8 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, ठीक है। तो मैं एम लक्ष्मीकांत जल्द ही आपको पढ़ा दूंगा। और बाकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है हमारी, इसका जो कंटेंट है, इसमें मैंने आपको पहले जैसे लास्ट वीडियो में बताया था मध्य प्रदेश का जो कृषि उद्योग या ऐसे ऐसे फैक्टर्स जिनसे अर्थव्यवस्था डिसाइड होती है किसी भी स्टेट की, तो इसमें मेनली अपने को इंडिया का नहीं पढ़ना है, मेनली अपन एमपी का कॉन्सेंट्रेट करें क्योंकि इंडिया की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो वो तो बहुत वाइड टॉपिक आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली अपन एमपी के लिए पढ़ें। बाकी आपका जो पंचायती राज है, इसमें पंचायती राज में आपको इंडिया का भी पढ़ें और मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों टॉपिक आप यहां से जरूर पढ़ें, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-4-5 मिनट का ये वीडियो होगा, कृषि क्षेत्र की जो प्रमुख संस्थाएं हैं और जो केंद्र हैं उसके बारे में यहां पर डिस्कस करूंगा। एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक है ना, एमपी के जो प्लान्स हैं उनके बारे में मैं आपको वीडियो जल्द ही बना के दूंगा 1-2 दिन के अंदर। अब थोड़ा सा मैं टाइम मैनेज कर रहा हूं, अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। तो ये मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं जो कृषि से संबंधित हैं, जो आपसे पटवारी में पूछा जा सकता है, तो कुछ 8 से 10 वीडियोज मैं आपके लिए ऐसे लेके आऊंगा जहां से आप ये मान के चलें कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको, मध्य प्रदेश पटवारी के कृषि क्षेत्र की प्रमुख संस्थाएं उनके बारे में यहां पे हम बात करते हैं। देखिए यहां पे कुछ प्रस्तावित भी हैं और कुछ ऑलरेडी बन चुके हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र, मतलब ये सब देखिए आप कृषि से रिलेटेड ही सारे हैं क्योंकि ये ही आपसे एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलेगा ही, ठीक है। तो राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो है, मतलब धान मतलब ये होता है आपका चावल, आप इसको बोल सकते हो राइस, ठीक है। ये आपका बड़वानी में है और ये प्रस्तावित है, भी बना नहीं है। इसके अलावा जो कपास अनुसंधान केंद्र है ये खरगोन में है, कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और इसको कपास अनुसंधान केंद्र को आपको कैसे याद रखना है, देखिए कपास, कपास का क्या है का, और इसका क्या है खरगोन का खा, तो का और खा, तो का से कपास और खा से खरगोन। फिर है आपका कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है हमारा भोपाल में, ठीक है। और इसमें देखिए कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान मतलब ये एग्रीकल्चर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है ये आपका होगा, ठीक है। ये कहां पर है आपका भोपाल में है, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय। और देखिए अब यहां पे कंफ्यूज ना हो आप, इसमें अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल में है लेकिन जो महाविद्यालय है वो कहां है आपका जबलपुर में है, ठीक है, महाविद्यालय जबलपुर में। इसके बाद उद्यानिकी महाविद्यालय, देखिए उद्यान से रिलेटेड जो है इन सब चीजों के बारे में जहां पर बताया जाता है वो है हमारा कहां पर मंदसौर में, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा एशिया का ही सबसे बड़ा जो सोयाबीन का संयंत्र है वो तो उज्जैन में ही है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। और प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र, सेलरिच जैविक खाद संयंत्र कहां पर है आपका भोपाल में है, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली यहां से आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मवेशियों का चारा बनाने का जो संयंत्र है वो कहां पर है, धार में है, धार। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई, देखिए जैविक खेती जो होती है इसको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आपने आपको पता होगा इसके बारे में, जो खाद होता है वो केमिकल्स वाले खाद यूज ना करके जैविक खाद जिसमें यूज करा जाता है, जैसे गाय का गोबर होता है, गाय का गौमूत्र होता है, इन सब चीजों का यूज करके वो खाद बनाई जाती है, ठीक है। तो जैविक खेती की जो प्रथम इकाई है वो कहां पर है आपकी, इंदौर में बनी थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, तो ये भी हमारा कहां पर है, जबलपुर में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये जबलपुर में है, 1964 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। एक और मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इनके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल और इनके कब इनकी स्थापना हुई थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, ये भी बता दूंगा।
प्रे अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र है, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, तो ये खमरिया जो है जबलपुर में ये प्रस्तावित है, जबलपुर जिले में पड़ता है आपका खमरिया, उसमें ये प्रस्तावित है मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र। फिर आपका डेयरी स्टेट केंद्र, तो डेयरी स्टेट केंद्र आपका परियट में है जो आपका जबलपुर जिले में पड़ता है। तो फिर आपका राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, तो अंगूर जो आपके ग्रेप्स कहते हैं हम इनको इंग्लिश में, ये आपका रतलाम में है और ये प्रस्तावित है, ठीक है, मतलब अभी बना नहीं है, ये प्रस्तावित है। इसके बाद राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो देखिए अब यहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा यहां पे मैंने आपको बताया था सोयाबीन का संयंत्र, ठीक है, और यहां पे मैं बता रहा हूं अनुसंधान केंद्र जहां पे सोयाबीन की जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं उनके बारे में यहां पर रिसर्च किया जाता है। अनुसंधान मतलब आपका यहां पे रिसर्च करा जा रहा है कि उसको कैसे उसकी फसल को और ज्यादा बढ़ाया जाए, कैसे अच्छे से अच्छा सोयाबीन बनाया जाए, ठीक है। तो ये आपका कहां पर, इंदौर में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपका दलहन अनुसंधान केंद्र, तो ये अमलाहा में है जो सीहोर में पड़ता है आपका, दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, तो खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका जबलपुर में, देखिए ज्यादातर ये आपके जबलपुर में पढ़ रहे हैं, जबलपुर में, भोपाल में, तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखें, ठीक है। सेलरिच जैविक खाद संयंत्र आपका भोपाल में है, सेलरिच जैविक खाद संयंत्र, और ये सेलरिच जैविक खाद संयंत्र जो है आपका ये भोपाल में, ये अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इसको, प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र, तो इसके बारे में ये पहला है, तो ये इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये आपका बोहानी नरसिंहपुर जिले में, अभी ये प्रस्तावित है, ये बना नहीं है, गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, ये भी आपका कहां पर है, अमलाहा में प्रस्तावित है जो सीहोर में पड़ता है। इसके अलावा गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का है पवारखेड़ा में जो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये आपका कहां पर है, भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहां पर है आपका, भोपाल में। तो दोस्तों इतने जो प्रमुख संस्था और प्रमुख केंद्र जो है इनके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ें, एक नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पटवारी के एग्जाम में यहां से जरूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा, इसके अलावा कुछ और वीडियोज मैं आपके लिए लेके आऊंगा, 8 से 10 वीडियो ले आऊंगा मैं, ज्यादा वीडियो नहीं लाऊंगा। बाकी एक मैं आपको बात बता रहा था, मैं भूल गया, 20 नंबर की आनी है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अगर हम पंचायती राज 10 नंबर का मान लें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था 10 नंबर का मान लें, तो इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा कंटेंट कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये जो 10 नंबर है पंचायती राज, इसका जो कंटेंट है एम लक्ष्मीकांत, तो और भी बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स के नोट्स हैं, आप इसको वहां से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट इसका, हर दूसरा चैनल इस पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा है, पंचायती राज पढ़ा रहा है, उनको मतलब पता हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये आप 10 नंबर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लें, इन 10 नंबर पर ज्यादा स्ट्रेस ना दें, ठीक है। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बाकी और जो 90 नंबर हैं, ठीक है ना, इनके अलावा इस 10 नंबर के अलावा जो 90 नंबर हैं उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दें आप, क्योंकि रैंक जो आपकी बनेगी वो यहां से बन जाएगी, ठीक है। और यहां से अगर आप तुक्के भी मारोगे, मान लो आपको कुछ भी नहीं बनता, एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके तुक्कों में सही हो जाएंगे 10 में से, ठीक है। तो आप इतना ज्यादा उसको स्ट्रेस ना लें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा वीडियो, और इसके बाद फिर नेक्स्ट मैं जल्द ही, कल ही परसों में आपको 4 से 5 वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।